हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस और ये वीडियो फाइल नंबर सीरीज का 12th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टिकी बिट का यूज। स्टिकी बिट का यूज सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे परमिशन सेट करना चाहते हैं, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी डायरेक्टरी को, किसी डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ उसका ओनर ही डिलीट कर पाए, तो उसके लिए स्टिकी बिट का यूज किया जाता है। अगर किसी डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट इनेबल है तो उस डायरेक्टरी और डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ ओनर, उस डायरेक्टरी का ओनर या रूट यूजर ही डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो स्टिकी बिट सेट करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं chmod स्पेस प्लस टी स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, और अगर आप न्यूमेरिक मेथड से सेट करना चाहते हैं स्टिकी बिट तो विद परमिशन 766 परमिशन के साथ में, तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod स्पेस 17666 डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, तो 1 क्या है, ऑक्टल वैल्यू है स्टिकी बिट की। उसी तरह अगर आपको डिसेबल करना है स्टिकी बिट को तो उसके लिए कमांड होता है chmod स्पेस हाइफन टी स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी में जाता हूँ /etc/mysolution, उसके अंदर कंटेंट लिस्ट आउट करता हूँ, फिर उसके अंदर स्टिकी बिट ls-l क्लियर। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir टेस्ट dir। ठीक है, और यहाँ पर दो यूजर क्रिएट कर देता हूँ ls-l यूजर एड यूजर वन टू यूजर थ्री। ठीक है, और ग्रुप चेक कर लेते हैं /etc ग्रुप पाइप ग्रेप gr। तो यहाँ पर दो ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ठीक है, तो हम ग्रुप वन के मेंबर बना देते हैं यूजर वन यूजर टू और यूजर थ्री को, जी पास डब्ल्यू टी हाइफन कैपिटल m यूजर वन कॉमा यूजर टू कॉमा यूजर थ्री, और ग्रुप के मेंबर बना रहे ग्रुप वन के। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप वन तो मेंबर बन चुके हैं यूजर वन यूजर टू और यूजर थ्री। ठीक है, टेस्ट या डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर है रूट और ओनर है रूट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, परमिशन सेट करना chmod टेस्ट dir सॉरी 770 टेस्ट dir। ठीक है, यानी ये परमिशन सेट करने के बाद में क्या होगा कि जो ओनर और ग्रुप ओनर होंगे वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अदर यूजर जो होंगे यानी वे यूजर जो इस डायरेक्टरी के तो ओनर है नहीं ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते और ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका ग्रुप बना देते हैं chmod ग्रुप वन टेस्ट dir। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेस्ट या डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर हो गया है ग्रुप वन और ओनर हो गया है रूट। ठीक है, और ग्रुप वन के मेंबर हैं जो हमने देखे थे, यहाँ पर ग्रुप वन के मेंबर है यूजर वन यूजर टू और यूजर थ्री। तो यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री टेस्ट या डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई भी स्टिकी बिट सेट नहीं किया है टेस्ट या डायरेक्टरी पर। ठीक है, तो अब हम विदाउट स्टिकी बिट सेट किए इसको एक्सेस करते हैं डायरेक्टरी को अलग अलग यूजर से और उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पासवर्ड सेट कर देते हैं यूजर का यूजर वन वन। ठीक है, उसी तरह यूजर टू का सेट कर देते हैं ओके। उसके बाद ls-l, तो यहाँ पर भी कोई स्टिकी बिट सेट नहीं है टेस्ट डी डायरेक्टरी पर। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ su यूजर वन। ठीक है, ls-l cd टेस्ट dir और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir u1। ठीक है, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ touch u1। ठीक है, touch u1 dot txt। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और rm u1 को मैं रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टरी हो गई है u1 और एक फाइल हो गई u1.txt यूजर वन की, ठीक है। उसी तरह हम लॉगिन करते हैं यूजर टू से, और यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir u2 और एक फाइल क्रिएट करते हैं टच u2.txt और उसको एडिट करते हैं u2.txt दिस इज u2 फाइल यूजर अकाउंट फाइल एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू सेव गेट u2। ये इस फाइल का कंटेंट, ठीक है। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ एस यू यूजर थ्री से और उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ एम के डी आर यू थ्री और टच यू थ्री डॉट टी एक्स टी, ठीक है। टच यू थ्री डॉट टी एक्स टी और उसको एडिट करता हूँ यू थ्री डॉट टी एक्स टी दिस इज U3 यूजर अकाउंट फाइल और उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस्केप डब्ल्यू क्यू कॉलम डब्ल्यू क्यू और को प्रेस करना है, ठीक है। यू थ्री डॉट टी एक्स टी ये कंटेंट। अब यहाँ पर हर एक यूजर से हमने डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। और अभी स्टिक बिट सेट नहीं है तो अभी हम लॉग इन है यूजर थ्री से, ठीक है। अब यूजर थ्री यूजर टू का डेटा डिलीट कर पाता है या नहीं, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। आर एम पहले देख लेते हैं कि वो फाइल रीड कर पाता है नहीं यू टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। फाइल रीड कर सकता है, एडिट कर पाता है नहीं वो देख लीजिए यू टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। यहाँ पर हम एडिट करते हैं इस फाइल को और यहाँ पर लिखते हैं दिस फाइल इज एडिटेड बाय यूजर थ्री, ठीक है, अकाउंट, और उसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए इसने फाइल एडिट कर दी, यूजर टू की फाइल को यूजर थ्री ने एडिट कर दिया, ठीक है। और अगर डिलीट करे कोई कंटेंट तो यू टू, ठीक है। तो देखिए यूजर टू का डेटा इसने डिलीट कर दिया यूजर थ्री ने, ठीक है। तो अब हमें क्या सेट करना है कि जो अलग अलग यूजर का डेटा है इस डायरेक्टरी में टेक्स्ट डीआर में, तो यूजर वन का डेटा सिर्फ यूजर वन डिलीट कर पाए, यूजर टू का डेटा सिर्फ यूजर टू डिलीट कर पाए, यूजर थ्री का डेटा सिर्फ यूजर थ्री डिलीट कर पाए, यानी कोई भी दूसरा यूजर किसी दूसरे यूजर की डेटा को एडिट ना कर पाए, ठीक है, डिलीट ना कर पाए, ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम स्टिकी बिट सेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टिकी बिट सेट करते हैं ls-l, सबसे पहले लॉगिन कीजिए रूट से su रूट से हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम स्टिकी बिट सेट करते हैं chmod plus t testdir, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टिकी बिट सेट हो गया है, ठीक है। अब हम यूजर टू से लॉगिन करते हैं, सॉरी यूजर वन से, ऐसा अपने, ठीक है। और मैं उसमें टेस्ट डीआर डायरेक्टरी में मूव करता हूँ ऐसा अपने, ठीक है। अब मैं यूजर थ्री की फाइल को चेक करता हूँ यूजर थ्री डॉट टी एक्स टी, तो रीड कर पा रहा है, ठीक है। देखिए एडिट कर पाया था या नहीं, एडिट This file is edited by user one. ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर हो रही है, ठीक है, कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है, ये इसको से एडिट नहीं कर सकता, तो हमें एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद आप इस चेक कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर फाइल एडिट नहीं हुई, ठीक है, यूजर वन यूजर थ्री की फाइल को एडिट नहीं कर पाए, ठीक है। अब मैं डिलीट करके देखता हूँ यूजर थ्री की डायरेक्टरी को, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है, जबकि पहले यूजर थ्री ने यूजर टू का डेटा डिलीट कर दिया था, ठीक है। अगर फाइल डिलीट करने तो आर एफ यू थ्री डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो इसको भी ये डिलीट नहीं कर पा रहा है, यस, तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए डेटा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है।
तो इस तरह आप अगर स्टिकी बिट सेट करते हैं तो उस डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कंटेंट को सिर्फ उसका ओनर ही डिलीट कर सकता है या फिर रूट यूजर डिलीट कर सकता है, दूसरा कोई भी यूजर उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ये स्टिकी बिट का यूज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।